100 बकेट लिस्ट ऑफ द डेड सीजन फर्स्ट एपिसोड 3। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें क्लब दिखाया जाता है जिसमें एक बच्चे को देखते हैं जो कि रो रही होती है क्योंकि उसके पेरेंट्स को ज़ॉम्बी ने मार दिया था और वो बहुत डरी हुई थी और उस क्लब का मैनेजर उसे शांत कराता है। तो कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है, जिसके बाद वो कुछ लोग हथियार लेकर बाहर जाते हैं और ज़ॉम्बीज को मारने लगते हैं और उन्हें क्लब में आने से रोकने लगते हैं। दूसरी तरफ हम अकीरा को देखते हैं जो अपने दोस्त कैंचो से मिलने के लिए वहां पर आया था उसी एरिया में, और जिसके बाद सीन कुछ घंटों पहले शिफ्ट होता है जहां पर हम अकीरा को देखते हैं जिसे अब जॉब पर नहीं जाना था, तो इसलिए वो अपने डिफरेंट टाइप की दाढ़ी रखने लगता है, पर वो उसे अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो खुद ही उसे मार्कर से बनाता है, जिसके बाद वो क्लीन शेव कर वहां से निकल जाता है। जिसके बाद अकीरा उस काम को अपनी लिस्ट में से काट देता है, जिसके बाद वो अपने मोबाइल को चेक करता है जहाँ पर उसके मोबाइल पर मैसेज थे, यानी इंटरनेट अब भी चल रहा था। साथ ही वो अपने सारे मैसेज देखता है क्योंकि ओवर टाइम के चलते जो अकेला था वो इन मैसेजों का रिप्लाई नहीं कर पाया था और साथ ही अपने दोस्तों से नहीं मिल पाया था और अब वो ऐसा कर सकता है, और साथ ही सोचता है कि शायद ही वो अब सारे जिंदा होंगे। और जिसके बाद अकेला को वहां पर अपने एक दोस्त कैंचो की याद आती है, जिससे अकेला सोचता होता है कि वो अभी तक मरा नहीं होगा, वो किसी होटल में किसी गर्ल के साथ मजे कर रहा होगा। जिस दूसरी तरफ हमें कैंचो दिखाया जाता है वो एक होटल में ही था, पर वो एक कमरे में फंस गया था क्योंकि बाहर ज़ॉम्बीज थे और कैंचो ने सिर्फ 3 दिन से पानी ही पिया था, और उसके कमरे में भी एक गर्ल ज़ॉम्बीज बन गई थी, पर अच्छी बात यह थी कि वो एक रूम में था। और साथ ही वहां पर बैठे हुए सब उसे अपने पुराने दोस्त अकीरा की याद आती है जो कि कॉलेज में उसके साथ ही था, और साथ ही उसके पुराने बेवकूफ जोक्स पर भी हंसता था। तभी कैंचो के मोबाइल पर ही अकीरा का कॉल भी आ जाता है, पर अकीरा उससे पूछता है कि वो कहां पर है, वो अभी उसे लेने आ रहा है, जहां पर कैंचो कहता है कि ये नामुमकिन है क्योंकि पूरा होटल ही ज़ॉम्बीज से भरा हुआ है, पर अकीरा को इससे फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद अकीरा अपनी बाइक लेकर वहां से निकल जाता है, और अकीरा और कैंचो कॉलेज फ्रेंड थे और साथ ही 4 साल तक वो रग्बी भी खेलते थे, और अकीरा लास्ट टाइम कैंचो से 1 साल पहले मिला था एक क्लब में जहां पर अकीरा ओवर टाइम के चलते परेशान था, और जो कैंचो था वो एक एजेंट बन गया था क्योंकि उसे बातें करने अच्छे से आती हैं, और साथ ही वो एक मॉडल को भी डेट कर रहा होता है, और साथ ही वो अब बहुत पैसे भी कमा रहा है, और वो अकीरा से कहता है कि उसे अपनी जॉब छोड़ देनी चाहिए, कोई पागल ही होगा जो इस जॉब को नहीं छोड़ेगा, पर अकीरा उसकी बात नहीं सुनता। सीन द्वारा प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहां पर अकीरा जा रहा होता है, और दूसरी तरफ हम उस मैनेजर को देखते हैं जो कि अभी अकेला बचा था और सारे ज़ॉम्बीज उसे मारने के लिए उसके पीछे जा रहे थे, पर तभी वहाँ पर एक शोर शुरू हो जाता है जिसे सुनकर सभी ज़ॉम्बीज उसकी तरफ अट्रैक्ट होकर वहाँ से चले जाते हैं और वो मैनेजर बच जाता है वहाँ पर। और इधर कैंचो के होटल से भी सभी ज़ॉम्बीज उस शोर की तरफ जाने लगते हैं, और जो ये आवाज़ थी ये कार के हॉर्न की थी जिसका हॉर्न किरा ने जाम कर दिया था, जिसके बाद ढेर सारे ज़ॉम्बीज उस कार को घेर लेते हैं और आग लगने से उस कार में धमाका हो जाता है। जिसके बाद कैंचो अपने कमरे से बाहर निकलता है और बाहर ही उसे अकीरा मिल जाता है, जहाँ पर अकीरा उससे कहता है कि उसे उसकी सलाह मान लेनी चाहिए थी, उसे अपनी जॉब को छोड़ देना चाहिए था। जिसके बाद वहाँ पर कैंचो भी अकीरा को कुछ बताने वाला था, पर अकीरा के चिल्लाने से उस ज़ॉम्बीज वापस होटल आ गए थे। जिसके बाद अकीरा और कैंचो दोबारा उस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर पहुंच जाते हैं और साथ ही दरवाजा बंद कर देते हैं ताकि ज़ॉम्बी ना आ पाए, पर वो दरवाजा ज्यादा देर तक ज़ॉम्बी को रोक नहीं पाएगा। जिसके बाद कैंचो अकीरा से पूछने लगता है कि अब क्या करें, जहाँ पर अकीरा कहता है कि उन्हें जंप करनी होगी दूसरी बिल्डिंग पर, साथ ही कैंचो को यह नामुमकिन लगता है क्योंकि जो वो बिल्डिंग थी वो कुछ ज्यादा ही दूर थी, पर अकीरा कहता है कि ये तो कूदने पर ही पता चलेगा। जिसके बाद अकीरा तेज दौड़कर उस दूसरी बिल्डिंग पर जंप करता है, और साथ ही वो उस बिल्डिंग पर पहुंच भी जाता है और वहाँ गिरते हुए थोड़ा सा इंजर्ड हो गया था, पर वो अब ठीक है। जिसके बाद वो कैंचो को भी जंप करने के लिए कहता है, पर कैंचो जंप करने से मना कर देता है, कहता है कि उससे नहीं हो पाएगा, पर कैंचो वहाँ पर मरने से पहले अकीरा से कुछ कहना चाहता था, और वो अकीरा से बताता है कि असल में उसे भी अपनी जॉब अच्छी नहीं लगती थी, वो झूठी स्माइल के साथ लोगों से बात करता था रोज की और उन्हें बुरे कॉन्ट्रैक्ट्स दिलाता था ताकि उनकी कंपनी को फायदा हो, और इस चीज़ के लिए वो अकीरा से वहाँ पर माफ़ी मांगता है, और साथ ही बताता है कि असल में उसे एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनना था ताकि वो लोगों को हंसा सके, और जिस पर अकीरा बोलता है कि अभी अपनी जॉब छोड़ दो और अपने मन का काम करो। पर अकीरा की बातें सुनकर कैंचो भी अब मोटिवेट हो जाता है और वो कूदने के लिए तैयार हो जाता है, और जैसे वो जंप लेता है तो सारे अपने कपड़े उतार देता है, जिसे देखकर अकीरा वहाँ पर हंसने लगता है, पर जो कैंचो था वो अपनी जंप कंप्लीट नहीं कर पाता और वो दीवार से लटक जाता है, पर अकीरा वहाँ पर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे वहाँ पर बचा लेता है। जिसके बाद वो दोनों उसी छत पर कैंप डाल लेते हैं और साथ ही कुछ बियर की बोटल्स भी ले आते हैं, और जिसके बाद वो दोनों बातें करने लगते हैं और साथ ही बियर पीने लगते हैं, और इनके साथ इस एपिसोड का यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो, और हाँ अगर आपको इसके पिछले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो उसकी लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उसे भी कंप्लीट देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही है, मैं मिलूँ आपको नई वीडियो में नए एनिमे फिर नई वेब सीरीज की एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।